गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे विपल सीजीज के बारे में। विपल सीजीज अगेन अ टाइप ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल अब्जॉर्प्शन डिजीज, राइट? वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ माल अब्जॉर्प्शन डिजीज, राइट? सो इट इज कॉज बाय ट्रोफोरिमा विप्लाई, ठीक है? इसका पॉजिटिव एजेंट याद रखना कि ट्रोफोरिमा विप्लाई होता है। इट इज अ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर। ये क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज है, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज, राइट? मतलब कि क्रॉनिक है तो मतलब लंबे टाइम से चल रहा है, मल्टी सिस्टम मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, एसोसिएटेड विद फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर। इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर है कि देख लो। बेसिकली ये क्रॉनिक डिजीज है तो क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, स्टेटोरिया होगा, ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, क्योंकि हर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की केसेस में होता है। मल्टी सिस्टम डिजीज, क्या होगा? ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टी सिस्टम डिजीज है तो ये क्या करेगा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस करा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो ये ऑब्वियसली उसमें किस पे प्रिसिपिटेट कराएगा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस प्रिसिपिटेट करा देगा। इन सीवियस ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ द हर्ट आर अफेक्टेड, सो पैनकार्डाइटिस इज प्रेजेंट, बट इन पैनकार्डाइटिस द पेरिकार्डाइटिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे सीवियस के केस में ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ द हर्ट विल बी इन्वॉल्व, तो that would lead to pancarditis, but in the cases of this in pancarditis also pericarditis is the most common and most important thing that can lead to Whipple's, मतलब कि Whipple's disease में होता है। In CNS manifestation which differentiates this disease from the above two, तो CNS manifestation में जो differentiate करता है इस disease को from the above two, ठीक है ना? तो most common is डिमेंशिया। तो डिमेंशिया विपल्स डिजीज में बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है ना? आपको मिल जाएगा। दिस इज लेट ऑनसेट बट कम्स विथ एक्सट्रीमली पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है ना? ये जो है बहुत ही लेट ऑनसेट डिमेंशिया है होगा। तो लेट ऑनसेट डिमेंशिया में अगर तुम एक चीज़ बोलते हो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि विपल्स डिजीज, तो तुम गलत नहीं हो, ठीक है? और ये एसोसिएटेड होता है बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस के साथ, क्योंकि बहुत ही लेट फीचर है और बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस के साथ ये लेके आएगा। मोस्ट स्पेसिफिक सीनियस मीडिएटेड ऑक्युलोपैथी मिसडायग्नोसिस, ठीक है ना? तो यहाँ पे मोस्ट जो है स्पेसिफिक सीनियस मीडिएटेड चीज़ें हैं वो ऑक्युलोपैथी मिसडायग्नोसिस वगैरह होते हैं, ठीक है ना? सीनियस मीडिएटेड जो मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो है ऑक्युलोपैथी और जो है मिसडायग्नोसिस, ठीक है? एंड अदर्स आर सेरेब्रल एटैक्सिया। तो इसके केस में कुछ अदर्स सीनियस मीडिएटेड फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रलर अटैक्सिया हो गया, बंदा ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, सुप्रा न्यूक्लियर ऑफ प्लेजिया, अपन मोटर न्यूरॉन पाल्सी, CNOI, ठीक है? ये सब हो सकता है, ठीक है? और ऑफ्थेल्मो प्लेजिया हो सकता है, सेरेब्रल अटैक्सिया हो गया, मायोक्लोनिक सीजर हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, एन्सेफेलोपैथी हो गया, आईज में मोस्ट कॉमन यूवेआईटिस, अदर इज पॉलीसेरोसाइटिस। पॉलीसेरोसाइटिस हो सकता है, यूवेआईटिस हो सकता है, ठीक है ना? पॉलीसेरोसाइटिस, यूवेआईटिस, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, पेरिफेरल सेरेब्रल अटैक्सिया हो गया, सुप्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मो प्लेजिया हो गया, और मायोक्लोनिक सीजर हो गया। मायोक्लोनिक सीजर, देखो सेरेब्रलर अटैक्सिया हो सकता है, मायोक्लोनिक फीचर्स हो सकते हैं, और तुम्हारा क्या हो सकता है, मायोक्लोनिक सीजर, सुप्रा ऑप्थेल्मोपेजिया, अटैक्सिया, और इंसेफेलोपैथी और यूवीआईटिस, ये सब कॉजेस हो सकते हैं, राइट? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराओगे विपल्स डिजीज़ के? इन्वेस्टिगेशन में तुमने बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो ESR और CRP तुम्हें पढ़ा हुआ ऑब्वियसली मिल जाएगा। टेस्ट बाय माल अब्सॉर्प्शन, तो माल अब्सॉर्प्शन के टेस्ट कराओगे, नेगेटिव फॉर रूमेटिक फीवर फैक्टर, नेगेटिव होगा रूमेटिक फैक्टर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पेरिकार्डाइटिस का फीचर हो रहा है, तुम ऑफकोर्स की बात है तुम सोचोगे कि हाँ इसको रूमेटिक फीवर तो नहीं है, ठीक है? तो नेगेटिव होगा उसके लिए रूमेटिक फैक्टर के लिए। जिजनल बायोप्सी एंड बायोप्सी ऑफ अदर इन्वॉल्व टिश्यू इज डन विच शोज प्लेंटी ऑफ पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस दैट कंटेन स्मॉल बेसिलाई। तो जिजनल बायोप्सी कराओगे तो वहाँ पे जो कि बायोप्सी कराओगे, जिजनल बायोप्सी या अदर इन्वॉल्व टिश्यू का जो कराओगे, तो तुम वहाँ पे प्लेंटी ऑफ पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस मिलेंगे, वहाँ पे पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस का बहुत ही ज़्यादा प्लेंटीफुल अमाउंट में मिलेंगे, और उसमें भी क्या होते हैं वहाँ पे कंटेन करते हैं पास पॉजिटिव, तो प्लेंटी अमाउंट ऑफ पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस मिलेंगे, वो भी कंटेन करते हैं प्लेंटी अमाउंट ऑफ स्मॉल बेसिलाई कंटेन करते हैं, ठीक है? बट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाई डूइंग AFB विच इन दैट केस विल बी नेगेटिव। तो वी हैव मतलब कि हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ को, विपल्स डिजीज को, फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाई डूइंग AFB। तुम्हें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मतलब कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि फ्रॉम विपल्स डिजीज, देखो विपल्स डिजीज को तुम्हें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा AFB कर से, विच इन दैट केस विल बी नेगेटिव, ठीक है? जिस जो कि उस केस में नेगेटिव होगा, राइट? और नेक्स्ट हम लोग देखो मेन क्या है ना
कि यहाँ पे स्मॉल बेसिलाई मिलेंगे, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में एफबी से तुमको तुम्हें करना पड़ेगा, एफबी वो करना पड़ेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, जो कि उस केस में नेगेटिव होंगे इस पीपल्स डिजीज में। ट्रीटमेंट में क्या करोगे भाई? एंटीबायोटिक्स फॉर 2 वीक्स, आईवी सेप्ट्राइजोन, ट्रोफेप्रीमा, विप्लाई मिलेंगे यहाँ पे। तो इसको जो है तुमको आईवी सेप्ट्राइजोन देना पड़ेगा, और वी यूज मेंटेनेंस फॉर 1 ईयर विद कोट्राइमोक्सासोल। तो ठीक है, तो सेप्ट्राइजोन दे सकते हो और मेंटेनेंस के लिए 1 साल तक कोट्राइमोक्सासोल दे सकते हो। तो ये बात रही तुम्हारी पीपल्स डिजीज के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।